थ्री का अनाउंसमेंट हो चुका है 1 मार्च को। तो ये मूवी 2024 में दीपावली के टाइम पे आने वाली है। तो इसमें आपको डबल कार्तिक आर्यन ही दिखने वाले हैं, जैसे भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन थे वैसे कार्तिक आर्यन दिखने वाले हैं। इस बार आपको थोड़ा सा स्टोरी अलग रहेगा, भूल भुलैया 3 का स्टोरी अलग रहेगा इस बार। पहले दूसरे के शरीर में भूत जाता था, अभी कार्तिक आर्यन के शरीर में भूत जाएगा, तो आपको देखने में मजा आएगा अभी भूल भुलैया 3 देखने में। पर अक्षय कुमार को तो शायद अक्षय कुमार है ऐसा लग रहा है, पर अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं अक्षय कुमार का, और कैरा एडवानी भी हो सकती है इस फिल्म में। तो भूल भुलैया 3 तो अभी दीपावली के टाइम पे आएगा 2024 में, तो मूवी देखने के लिए भूल भुलैया मूवी में फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे अक्षय कुमार थे, भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन थे, और भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन दोनों दिख सकते हैं ऐसा अभी तक तो ऐसा अक्षय कुमार का कंफर्म नहीं है। पर कार्तिक आर्यन तो इस फिल्म के मेन किरदार में है, हीरो के किरदार में है। कार्यवाड़ियन का तो अभी तक भरोसा नहीं है, तो कार्यवाड़ी भी हो सकती है इस फिल्म की एक्टर। तो देखते हैं अभी कौन कौन इस पिक्चर के कैरेक्टर में आ सकते हैं। तो कार्तिक आर्यन तो एकदम टैलेंटेड एक्टर है, उनको तो कॉमेडी के हॉरर मूवीज़ में उनको बेस्ट एक्टिंग जमता है उनके उनके लिए, तो इसलिए ये भूल भुलैया 3 पिक्चर देखने के लिए भी इंटरेस्टेड होगी। जैसे कि भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन की सबसे बड़ी पैसे कमाने वाली फिल्म थी, वैसे ही पर उन्होंने कार्तिक आर्यन ने एक्टिंग अच्छी की इसलिए वो पिक्चर हिट रही। सब तो बाकी बॉलीवुड के पिक्चर सब फ्लॉप होते जा रहे थे, फिर भी भूल भुलैया 2 पैसा कमाई इतना। देखते हैं भी भूल भुलैया 3 कितना पैसा कमाती है। तो वेट करिए 2024 तक दीपावली के दिन आ जाएगा ये मूवी।